My all dear friends, I am Professor Neeta. Welcome on our free education channel, English Master. Dear friends, today we are going to continue our dictionary related lecture. आज के lecture में हम पढ़ने जा रहे हैं our new word and the meaning in English, Hindi and Marathi. इससे पहले के lectures में हमने cover किए हैं alphabet A से लेके J तक के all words. अगर आपने इससे पहले के lectures नहीं देखे हैं, so must watch all the lectures. Both the lectures will help you to improve your English as well as Hindi and Marathi communication skill. So let's start for today's lecture, alphabet K. जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है द फर्स्ट स्लाइड कीप. कीप का हिंदी में मीनिंग है रखना, मराठी में ठेवा. की चाबी चावी. किक को हिंदी में बोलते हैं लात मारना, मराठी में लात मारने. किड हिंदी में बच्चा एंड मराठी में लहान मूल. किल का मतलब है मारना मारने. नेक्स्ट पढ़ेंगे किलर यानी के हत्यारा मारनारा. किलिंग यानी के हत्या प्राणघातक. काइंड का हिंदी में मतलब है मेहरबान, मराठी में दयालु. किंग को हिंदी एंड मराठी में एक ही वर्ड है, वो है राजा. किस का मतलब है हिंदी में चूमना, मराठी में चुंबन. नेक्स्ट किचन. किचन को हिंदी में बोलते हैं रसोई, मराठी में स्वयंपाक घर. नी अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सवाल आएगा कि शुरुआत वर्ड की तो हो रही है के से, के एन ई ई, लेकिन ऑल माय डियर फ्रेंड्स इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो क्नी नहीं होता कभी भी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नी. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सिर्फ के से स्टार्ट नहीं होता, एन से होता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा. नी का मतलब है घुटना यानी गुड़घा. नाइफ, नाइफ का मतलब है चाकू चाकू. नॉक, नॉक का मतलब है दस्तक ठोका देने. नो, नो का मतलब है जानना माहिती आहे. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिएगा के एन ई ई नी यानी घुटना गुड़गा, के एन आई एफ ई नाइफ यानी चाकू चाकू, के एन ओ सी के नॉक यानी दस्तक ठोका, के एन ओ डब्ल्यू नो यानी जानना माहिती है. ये वर्ड्स आप ध्यान में रखिएगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन न से होता है. नेक्स्ट पढ़ेंगे ये भी वर्ड वैसा ही है, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई नॉलेज का हिंदी में मतलब है ज्ञान, मराठी में भी उसको ज्ञान कहते हैं. कीपर यानी रखवाला रक्षक. केटल केतली किटली. किडनैप यानी अपहरण अपहरण. किंडल यानी जलाना पेटवने. नेक्स्ट किंगडम, किंगडम यानी के साम्राज्य राज्य. काइट यानी पतंग पतंग. किटन, किटन यानी के बिल्ली का जो बच्चा होता है, मराठी में उसको मांजराचे पिल्लू कहते हैं. नॉब अभी यहाँ पे देखिएगा वर्ड है के एन ओ बी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नॉब यानी के दस्ता घूमट. किंक यहाँ पे देखिए किंग का हिंदी में मतलब है गांठ एंड मराठी में कंक. नेक्स्ट देखिएगा किक ऑफ यानी के गिराना लात मारना. अभी ये वर्ड आप ध्यान से देखिएगा के एन ओ एल एल यानी इसको क्नॉल नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नॉल यानी हिंदी में पहाड़ी एंड मराठी में टेकड़ी. यहाँ पे देखिएगा के एन ई ए डी इसको हम क्नीड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नीड यानी के गूंदना मलने. सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने कवर अप किए हैं अल्फाबेट के से रिलेटेड ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश हिंदी एंड मराठी. इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे है जिनका प्रोनाउंसिएशन न से होता है, आप वो वर्ड्स ध्यान से देखिएगा लर्न कीजिएगा. अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एज पर दैट आपको रिप्लाई आया करेगा. इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे एंड जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट अल्फाबेट. इसी तरह से हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो लेक्चर्स है वो भी आप लर्न कीजिएगा. अगर आपको अपना इंग्लिश एंड हिंदी एंड मराठी तीनों भी कम्युनिकेशन स्किल्स कवर अप करने हैं, तीनों भी लैंग्वेज में अच्छे से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने हैं, सो यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द बेसिक वर्ड्स इन इंग्लिश हिंदी एंड मराठी. सो डियर फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद.